कांग्रेस का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा जाने का फैसला कर चुके देश के पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल सुर्खियों में है। उनके एक फैसले ने राजनीति में भूचाल ला दिया है। चलिए इस वीडियो में आपको सिब्बल की शख्सियत के उस हिस्से के बारे में बताते हैं जो लोग बहुत कम जानते हैं। कपिल कारों के शौकीन हैं और करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। उनके कलेक्शन में एक से बढ़कर एक कार है। वो कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, चलिए आपको बताते हैं। बड़ी राजनीतिक हस्ती होने के अलावा कपिल सिब्बल एक जाने माने वकील भी हैं। वो काफी महंगे वकील बताए जाते हैं। 2015 में दी गई जानकारी के मुताबिक सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में एक बार पेश होने के लिए कम से कम 8 लाख से 15 लाख तक चार्ज करते थे। खबरों की माने तो अब सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में प्रति सुनवाई के लिए 20 से 25 लाख तक फीस लेते हैं। वहीं हाई कोर्ट में 9 से 16 लाख रुपए की फीस चार्ज करते हैं। साल 2016 में राज्यसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के मुताबिक कपिल सिब्बल के पास कुल 89.48 लाख करोड़ की गाड़ियां हैं। इसमें 1995 की एक सुजुकी जीप, 2001 की हुंडई सोनाटा, 2003 की टोयोटा कोरोला, 2012 की मारुति डिजायर, 2015 की मर्सिडीज GLC और 2016 की टोयोटा कैमरी शामिल है। इसके अलावा उनके पास 1997 में खरीदी एक रॉयल इनफील्ड बुलेट और 2016 की हीरो स्प्लेंडर जैसी मोटरसाइकिल भी है। कारों के अलावा कपिल सिब्बल की संपत्ति में बड़ा हिस्सा उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी का है। कई शहर में उनकी कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। कपिल सिब्बल शेयर मार्केट में निवेश की भी अच्छी जानकारी रखते हैं। उनके निवेश पोर्टफोलियो को देखें तो शेयर मार्केट की लिस्टेड कंपनियों में जहां उन्होंने 7 करोड़ रुपए निवेश किए हैं, वहीं नॉन लिस्टेड कंपनियों में भी उनका 53,000 रुपए का निवेश है। कपिल सिब्बल देश के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जो 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति रखते हैं। 2016 के हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति का कुल मूल्य 212 करोड़ रुपए है। इसमें करीब 14 करोड़ रुपए बैंक के खातों में जमा है, जबकि उनके पास कुल 3 लाख रुपए का कैश अमाउंट है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल आज तक।